नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। आइए नजर डालते हैं यूपी से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। रात में दो सोते हुए व्यक्तियों की गोली मारकर कर दी गई हत्या, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। संभल जूनावई थाना क्षेत्र के ग्राम लावर में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते घर में चारपाई डालकर सो रहे दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें डबल मर्डर होने की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक मैं पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस को पीड़ित के परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक नामजद व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। जूनावई थाना क्षेत्र के ग्राम लावर निवासी प्रताप की गांव के ही निवासी जयपाल के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें रविवार की रात को प्रताप सिंह और उमेश अपने घर में सो रहे थे। देर रात करीब 2 बजे सोते समय दोनों को गोली मार दी गई। प्रताप के मौके पर ही मौत हो गई और उमेश की हायर सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक को कुलदीप सिंह गुनावत रात में ही गांव पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक प्रताप सिंह के परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? नेमबती। कहाँ रहती है? इनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? जेठ। अच्छा, कैसे मौत हुई है, क्या मामला है? उनकी जेठ हुई है रात के 2 बजे और ये लोग हैं। कैसे मौत हुई है उनकी? जो मौत हुई है वो सो रहे रात में, तो सब जने सोबत भी याद आए गोली मारनी है उनके थी। और उनके घर वाले उनको ही तमंचा रख दो बीच से, वो धन्ना दे कते ही, और मेरे ऊपर कुछ भी दिखा दो मैं गिरी गेट पर बने कर। हाँ, और ये हैं लोग जयपाल, राजेश, काला, ओमपाल, जयनाराम, रघुवीर। गांव के ही? हाँ, गांव के ही। आज सुबह लगभग 2 बजे के आसपास थाना जुनवई के ग्राम लावर में दो व्यक्तियों को गोली लगने की पुलिस को सूचना मिली, जिसमें तुरंत मौके पर थाना पुलिस पहुंची, जहां पर यह ज्ञात हुआ कि प्रताप सन ऑफ गंगा सहाय और उमेश सन ऑफ रघुवीर अपने घर में सो रहे थे, जहां पर उनको गोली लगी। इस संदर्भ में प्रताप की मौके पर मृत्यु हुई और उमेश के गंभीर रूप से घायल होने पर उपचार हेतु अलीगढ़ रेफर किया गया। इस संबंध में मृतक प्रताप के परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जहां पर उनके द्वारा पूर्व की रंजिश दिखाते हुए 5 गांव के ही व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। इस घटना के सफल अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही साथ बॉडी के पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा और PM की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 1 नामजद आरोपी जयपाल को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है तथा 3 अन्य व्यक्तियों को भी पूछताछ हेतु पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चुनाव से पहले बसपा ने बुलाई बड़ी बैठक, भाजपा पर साधा जमकर निशाना। संभल में बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय बैठक, संभल बहजोई रोड हाजी शकील कुरेशी के आवास पर की गई ये बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार गौतम पूर्व मंत्री प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे। पूर्व मंत्री राजकुमार ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें संगठन को मजबूत करना होगा और प्रत्येक सेक्टर पर जाकर लोगों को समझाना होगा कि वर्तमान सरकार से किसान, व्यापारी, मजदूर, बेरोजगार सभी लोग परेशान हैं। हमारी सरकार जब जब प्रदेश के अंदर आई है तब तब हमने सर्व समाज के लोगों का विकास किया है और अब उत्तर प्रदेश का आउटर समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा सही तरीके से विकास कोई सरकार नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो जन जन तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाती है। मेला समिति ने गणेश उत्सव से पहले अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों ने कहा हर तरीके की दी जाएगी सुविधाएं। संभल में कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में गणेश मेला की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मेला समिति ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
नगर पालिका चंदौसी के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गणेश मेला के दृष्टिगत शहर की साफ सफाई एवं नालों को कवर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि मेले के दृष्टिगत पैरामेडिकल टीम मेला स्थल पर तैनात रहे एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी पर दवाइयों की उपलब्धता प्रत्येक दशा में रहे। रेलवे विभाग को लेकर जिलाधिकारी ने जानकारी प्राप्त की। इसमें रेलवे विभाग द्वारा बताया गया कि मेला के दृष्टिगत एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। जल निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर की सड़कों का पुनः सत्यापन कराया जाए, जहां भी सड़क क्षतिग्रस्त है उसे समय रहते हुए ठीक करना सुनिश्चित करें। और जिलाधिकारी ने नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि जहां सड़कों में अधिक गड्ढे हैं वहां समय रहते हुए गड्ढों को ठीक कराया जाए। मेले के दृष्टिगत रोडवेज को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि अस्थायी रोडवेज स्टैंड बनाने के लिए स्थान चिन्हित किया जाए। वहीं दूर संचार विभाग को लेकर जिलाधिकारी ने एडिशनल टावर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे उपभोक्ता के लिए पर्याप्त नेटवर्क रहे। जिलाधिकारी ने मेला समिति से कहा कि मेला स्थल का एक नक्शा बनाया जाए, इस नक्शे के आधार पर मेले के अंदर दुकान लगाई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मेला लगाने के लिए अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, विद्युत सुरक्षा से NOC ली जाए। और जिलाधिकारी ने कहा कि झांकियों की ऊंचाई मानक के अनुसार रखें, मेले से बाहर कोई भी दुकान सड़क या नालों पर ना लगाई जाए, ये प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मार्गों से यात्रा निकाली जाए उस पर जर्जर छज्जे को चिन्हित करें। नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि नगरों की सड़कों की समय रहते हुए मरम्मत करना सुनिश्चित करें। स्कूल से घर आ रहे 10वीं क्लास के बच्चे की धक्का लगने से हुई मौत। घटना खीरी थाना के अंतर्गत खीरी कस्बे की है, जहां पर छात्रों में कहा सुनी और धक्का मुक्की के दौरान सड़क पर गिरे युवक के सर में गंभीर चोट होने से मौत हो गई। वहीं लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि सत्यम पुत्र मनोकामना अपनी बहन के साथ परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज खीरी के कक्षा 10 में पढ़ता था। छुट्टी के बाद शाम 4 बजे के आसपास वो अपनी बहन के साथ घर वापस आ रहा था कि रास्ते में दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा बहन से छेड़खानी की गई, जिसको लेकर भाई सत्यम से कहा सुनी के दौरान धक्का मुक्की व मारपीट में सड़क पर गिरने से सत्यम के सिर में गंभीर चोट आने के कारण सत्यम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची खीरी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव की मांग करते हुए नारेबाजी की। कोराव जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे SP कौंधियारा राजीव यादव द्वारा परिजनों व ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिजन व ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पुलिस गई थी? कौन कौन? बाद में पुलिस गई है। जब ही होश हो सकता है कि नस थरकों के बंद हो गई है तब गई पुलिस है। क्या नाम है आपका? आपके पिता का? कहाँ करने वाली हूँ? कौन भैया दीदी? अच्छा, एक जो बच्चा मारा गया किसका लड़का था? मनोकामना प्रसाद शर्मा। शर्मा है तुम्हारा भाई था ना? हाँ सर, भाई था। बड़ी मम्मी का लड़का है तो भाई ना लगेगा। तो तुम्हारे पिता का नाम कुछ और है, उसके पिता का नाम कुछ और है? बड़े पापा से। तुम्हारे बड़े पापा का लड़का था? और लड़के के पिता का क्या नाम था? और लड़का क्या नाम था? सत्यम शर्मा। कहाँ पढ़ रहे थे? कौन से स्कूल में? परमानंद बिहार पे। बिहार? बिहार में? परमानंद बिहार पे। बिहार में। नाम क्या है? प्रिंस सिंह। आपको घर? पूरा। जो मारा गया कौन है? वो मेरे दादा का लड़का है। क्या नाम है? सत्यम। उसके बाबूजी क्या नाम है? श्री मनोकामना प्रसाद। अच्छा, कौन सा स्कूल पढ़ रहे थे? परमानंद स्मारकम विद्यालय। अच्छा, मारपीट स्कूल में हुआ था? स्कूल में 3 लोग लड़के थे, वो नहीं। इधर लग करके बात करिए। हम लोग दोस्त बैठे थे और हम लोग पने में हंस रहे थे कि तुम ये करते क्यों नहीं हो, इसे ऐसे बोल रहे थे। वो लौंडा बोला तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तो सत्यम मेरा भाई बोला कि भैया आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतने में 2-3 तमाचा मार कर बोला कि साले तुझे मैं रास्ते में मारूंगा। मेरा भाई गया सर जिस बता दिया। अच्छा, वो जो मारने वाला कौन कौन था उसका नाम? नाम मुझे नहीं पता। नहीं, स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ, स्कूल में पढ़ता वो है। स्कूल में पढ़ रहा था तो उसका कुछ तो नाम जानते होंगे। नाम इसाद ऐसा कुछ है। इसाद है इसका, एक का नाम, एक का मोनिस है और 2 का नहीं मालूम।
इसमें कई लड़के थे? सर तीन थे और स्कूल मारने वाले चार थे। स्कूल में मारपीट करने वाले चार? हाँ। रास्ते में तीन। हाँ। आप साथ में थे? हाँ, हम लोग रास्ते में तीन थे तो वहाँ और लोग खड़े भी थे, वहाँ अगल बगल सियान में और कोई कई लोग खड़े थे, बहुत लोग से थे जब मारे हैं। वहाँ मारपीट हुआ था? ये जो सोनू हॉस्पिटल खुला है वहीं पर, जहाँ नई रोड, यही तो नई रोड खत्म होती है वहीं पर का मामला है। माने ये साजिश से मारा गया भाई, सियान लोग खड़े थे, इसका मतलब साजिश से मारा गया, साजिश से। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, कहा हिंदू धर्म नहीं धोखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद आए दिन अपने बयानों के कारण विवादों में बने रहते। बीते दिन उन पर जूता फेंका गया था। इस घटना के बाद एक बार फिर मौर्य चर्चा में आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने एक्स पर लिखा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है। स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद अब बवाल मचा हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता है, दलितों का भी सम्मान होता है, पिछड़ों का भी सम्मान होता है, लेकिन ये क्या विडंबना है। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, गरीबों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक संविधान प्रमुख राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपमान के रूप में वोट देने के लिए मजबूर करती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के क्रम में जाकर पूजा करता है क्योंकि उसी जात का है, और द्रौपदी मुर्मू जी को ही रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ ही बर्ताव होता क्या? हिंदू नहीं मानते हम, भले पागल होकर के हिंदू के नाम पर मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर्चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही गलती घटी थी जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथा कथित पंडे ने अंदर जाने से रोक दिया
नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी गरीब और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना, तुम उनके लिए खून बहा दो, तुम अपने लिए होटल सर कटा दो, तुम अपने सर्वस्व निशावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि वो तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको आपको अपमानित करना वो अपना धर्म मानते हैं। इसलिए आप धोखे मत रहना, यही उत्तर प्रदेश है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पर से हटे तो मुख्यमंत्री आकाश कालिदास पार्क, आकाश कालिदास पार्क को यही सत्तानसीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले क्या? अगर ब्राह्मणी देवता का नंबर एक था वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती क्या उसे गोमूत्र गंगा जल धुलेगा? इसलिए धुला गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए, आदिवासी गरीब या पिछड़े ये कौन है जिसको पहले शूद्र कहकर के जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया करते थे? इसलिए धोखे मत रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कहकर के दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, शिर्क करा देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इसे सावधान रहना। अभी के लिए बस इतना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीवीएन 24।